नमस्कार दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप ही सबसे घटिया सोच रखते हैं, सबसे मतलब कि खराब इंसान है, खराब ये है वो है, लड़के जो है लड़का मतलब कि इस वीडियो में यही लड़के के बारे में बताता हूँ कि लड़के जो हैं यदि समझ रहे हैं कि आपसे मतलब कि सोच विचार जो भी है ख़राब लगता है आपको, बहुत लोग हैं जो खुद को ही कोसते रहते हैं, क्रिटिसाइज खुद को ही करते रहते हैं, तो भाई ये बात गलत है। लड़के सिर्फ और सिर्फ लड़के ही नहीं, आजकल लड़कियां हम लोग से ज़्यादा वल्गैरिटी, ज़्यादा नॉन वेज बातें, ज़्यादा चीज़ें लगते हैं। नहीं प्रूफ चाहिए, ये लो प्रूफ दिखाता हूँ, ये देखो। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की कोशिश की क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और रोशनदान से पहले भी कोई आया गया है। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे ब्रेकअप करने की सुनो फिर से क्योंकि उसे पता चल गया था कि मेरे घर के आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे और आगे वाले दरवाजे, पीछे वाले दरवाजे, मैंने उसे बहुत कोई आया गया है ताकि वो मुझे छोड़कर ना जाए, तो उसने मेरे सामने एक प्रस्ताव रखा कि मुझे उसके लिए अपने घर में एक नया दरवाजा बनाना पड़ेगा जिसमें वो पहले आएगा जाएगा, उसके बाद वो मुझे माफ कर देगा। मेरे बॉयफ्रेंड ने आज मुझसे क्या बात हो रहा है यहाँ पे, ये लड़की गजब की लड़की, सब कोई ट्रोल करता है इसको, सब कोई बड़ा बड़ा यूट्यूबर जो है। आइए इनका थोड़ा कुछ और भी ज्ञान की बातें सुनते हैं, क्या क्या बोलती है। घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा ना रहे। आई लो पीला पानी कौन है भाई, सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा था का वीडियो बनाती है। हाँ देखो, मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई, फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास है तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। आज दही वाला बैक्टीरिया तो समझ रहे हैं कहाँ की बात हो रहा है एक, हाँ प्लस वो भी बात है भाई, आजकल तो लोग सेक्स एजुकेशन भी बता रहे हैं ना, एक पुबर्टी नाम के यूट्यूब चैनल है जो कि वो बताती हैं कि जो फीमेल के ओवम में, ओवरी ओवम में, फीमेल के जो ओवम में बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया दही में भी पाया जाता है, इसलिए इस बात को बोली है यहाँ पे। दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दूंगा। अब चलो आगे बढ़ो, देखो अभी अपने आप को कोसते हो। मुझे सुला दिया, ध्यान से देखने पर समझ आया कि वो मेरे क्रश रैपर जैसा दिखता था। आप मुझे वो करके दिखाएंगे? ऐसा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। कल मेरे सामने बहुत प्रोटेक्शन था, प्रोटेक्शन का पहन रहे हैं। तबीयत बहुत खराब हो गई थी जिसके लिए अच्छा बुलाना पड़ा, तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। अचानक से मेरी तबीयत बहुत, ये लड़की नहीं बल्कि एक छक्का है जो लड़कियों की एक्टिंग करके हमको बेवकूफ बना। हाय हाय चिकने, तेरे को कहां से मैं छक्का दिखती हूँ, ले दिखाऊं क्या? ये लड़की नहीं, लोगों ने कमेंट किया है जो की एक्टिंग करके हमको बेवकूफ बनाता है। हाय हाय चिकने, तेरे को कहां से मैं छक्का दिखती हूँ, निकाल के दिखाऊं क्या? ये लड़की मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सोसो करने में बहुत दिक्कत आ रही थी तो मैंने उसकी मदद करने की ठानी, इसलिए अच्छा। मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सोसो करने में सुसु। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा करने के लिए कहा। जब उसने पूछा ये किस लिए, तो मैंने उसे बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उसका होने वाला भाई आने वाला है। मैंने अपने बॉयफ्रेंड के लिए मिठाई खरीदी और उसे मुंह मीठा, फिर से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। बुराई कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता बुराई कि आई नहीं है, आई नहीं है, बुराई आई नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से मार दिले भी है कर रहा था। आज मैं हमेशा के लिए सब छोड़ के अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली, का बनाती है रे, चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं कि वो चलना ही बंद हो गया। मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया। क्या बनाती है भाई, मेरी फ्रेंड चलो भाई तभी उसे पीरियड आ गए तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए, तो मैंने उसके लिए नए प्रकार का आविष्कार किया। मेरी फ्रेंड डेट पर जाने वाली थी तभी उसे पीरियड आ गए तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करूं, तो मैंने सोचा क्यों ना उसकी हेल्प कर दी जाए, तो मैंने उसके लिए नए प्रकार का आविष्कार किया। नए प्रकार का आविष्कार है, क्या ख्याल है, विचार है, कमेंट में बताओ अपना भाई।
गजब गजब की एक से एक लड़कियां है भाई। अभी तो ये कुछ नहीं है, देखे ही होंगे आप लोग भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोला जाए भाई, क्या बोला जाए, कुछ भी हो सकता है भाई, ये इंडिया है, कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का क्या डायलॉग है कमेंट में बताओ।